दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि 21वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा विकास किस तकनीक का हुआ है, तो आप में से अधिकतर लोग एक जवाब जरूर देंगे, मोबाइल फोन्स। आज मोबाइल फोन्स का यूज 3 साल के बच्चों से लेकर 100 साल के बूढ़े तक कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस मोबाइल फोन्स का आविष्कार कब और कैसे हुआ और किस वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पहले मोबाइल फोन्स के आविष्कार के बारे में और उसके बाद वीडियो के अंत में बात करेंगे मोबाइल फोन से होने वाले नुकसान के बारे में, जो डॉक्टर्स ने रिसर्च करके पता किया है, और ये सारे नुकसान जानना बेहद जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही रोचक वीडियोस और जानकारीपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, बात है सन 1843 की। माइकल फराडे नाम के एक व्यक्ति के दिमाग में ऐसा आइडिया आया कि क्यों ना हवा में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाई जाए बिना वायर्स के। उसने अपने प्रयोगों के द्वारा यह प्रूफ कर दिया कि यदि किसी तार में करंट बह रही है तो उस तार के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस पैदा होती हैं। बाद में जाकर 20वीं शताब्दी में उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के कॉन्सेप्ट को यूज करके सेलफोन्स या मोबाइल फोन्स बनाए गए। दरअसल सेलफोन्स रेडियो वेव्स के जरिए हमारी आवाज या डाटा को चारों दिशाओं में ट्रांसमिट करती है। रेडियो वेव्स हमारी डिजिटल आवाज या डाटा को वाइब्रेशन करती हुई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के रूप में ट्रांसपोर्ट करती है, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर कौन था वो महान आदमी जिसने सबसे पहली बार वायरलेस कम्युनिकेशन का इजाद किया। वो था डॉक्टर मैलन लूमिस, जो कि अमेरिकन डेंटिस्ट और एक इन्वेंटर था। उसने सबसे पहले इस आइडिया को जन्म दिया कि क्यों न वायुमंडल में उपस्थित चार्जेस का प्रयोग करके संदेशों का आदान प्रदान किया जाए। उसने 1865 में वायरलेस टेलीग्राफ और वायरलेस टेलीफोन बनाने का दावा किया था, जिसके बारे में काफ़ी मतभेद हैं। उसी प्रकार के सैकड़ों प्रयोग 1866 से लेकर 1933 तक होते रहे, लेकिन असल कामयाबी मिलनी शुरू हुई सन 1924 में, जब बर्लिन और हैम्बर्ग के बीच दौड़ती हुई ट्रेनों पर वायरलेस फोन्स का सफल परीक्षण किया गया। सन 1946 में बेल लैब्स नाम की एक महान अमेरिकन कंपनी ने चलती हुई गाड़ियों के लिए मोबाइल टेलीफोन सर्विस देना शुरू किया। सन 1957 से लेकर 1961 के बीच में सोवियत के वैज्ञानिक लियोनिड कुप्रियानोविच ने कुछ ऐसे मोबाइल फोन्स डेवलप किए जो आश्चर्यजनक थे। वो आजकल के फोन से काफ़ी मिलते जुलते थे। लियोनिड के एक फ़ोन का वजन तो मात्र 70 ग्राम था और आसानी से आपकी हथेली में फिट हो जाता। अब आते हैं उस अद्भुत समय में जब विश्व का पहला सेलफोन लॉन्च हुआ, सन 1983 में। कंपनी थी मोटोरोला और मॉडल का नाम था डायनाटेक 800X। उस फोन की कीमत थी $4,000 और उस फोन की बैटरी बैकअप थी लगभग 30 मिनट और फोन की साइज 1 फुट थी। दोस्तों, आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल है, इंडिया में पहला मोबाइल फोन कब लॉन्च हुआ और किस कंपनी का था? शायद आपने कंपनी गेस कर लिया होगा, लेकिन कब लॉन्च हुआ ये गेस करना थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों, अब दिमाग पर जोर डालना बंद करें। इंडिया का पहला मोबाइल फोन लॉन्च हुआ अगस्त 1995 में और कंपनी थी बिना किसी शक के नोकिया। दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे उपयोगी सेक्शन में, जो है मोबाइल फोन्स के नुकसान। मोबाइल फोन्स के यूजर्स की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज दुनिया में 7 बिलियन यानी 7 अरब से भी ज्यादा मोबाइल फोन्स मौजूद हैं, और जब यूजर्स की संख्या इतनी ज्यादा हो तो मोबाइल फोन्स का एक नुकसान भी कितने लोगों को प्रभावित कर सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है। मोबाइल फोन्स की वजह से जो रेडिएशंस हमारे शरीर पर पड़ते हैं उससे कैंसर का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। ड्राइविंग के समय मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल से रोज सैकड़ों लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। सेलफोन्स के ज़्यादा इस्तेमाल से माइग्रेन, वर्टिगो और एपिलेप्सी जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। पेसमेकर्स यूज़ करने वाले पेशेंट्स को मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखनी चाहिए। जिन्हें हियरिंग एड लगा है उन्हें भी काफ़ी नुकसान होता है। सेलफोन से मिसकैरेज के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सेलफोन टावर्स के रेडिएशन से इंसान तो इंसान, चिड़िया भी बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।